टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का बेस्ट प्रारूप समझा जाता है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की असली परीक्षा होती है दोस्तों, और इसीलिए इसे टेस्ट क्रिकेट का नाम भी दिया गया है। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सफल होने वाले खिलाड़ियों को बड़ा सम्मान मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों के धैर्य की भी परीक्षा होती है, फिर चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज। टेस्ट क्रिकेट को तेजी से रन बनाने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन कुछ खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने इस प्रारूप में भी तेजी से रन बनाए हैं। इनके खेलने का तरीका इस फॉर्मेट में भी वैसा ही रहा जैसा वाइट बॉल में हो। इन खिलाड़ियों ने 90 मिनट के अंदर शतक लगा दिया। आपको शायद पता ही होगा कि T20 क्रिकेट में एक पारी 90 मिनटों का होता है। कई बार बल्लेबाज शुरू से लेकर अंत तक बल्लेबाजी करता है, लेकिन थ्री फिगर तक यानी शतक तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने ही समय में टेस्ट क्रिकेट में शतक जमा दिया। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने टेस्ट मैच के 90 मिनटों के अंदर ही शतक लगा दिया। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप सभी का स्वागत है चक दे क्रिकेट में। नंबर वन पर हैं सर विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के। जब भी आक्रामक बल्लेबाजी की बात होती है, इस वेस्ट इंडियन खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर आएगा। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने 56 गेंदों में शतक जड़ दिया। रिचर्ड्स ने उस मैच में 58 गेंदों में 7 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 110 रनों की पारी खेली थी। दूसरी पारी में रिचर्ड्स के इस तूफानी शतक के दम पर वेस्टइंडीज ने 240 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला जीत लिया था। रिचर्ड्स ने 81 मिनटों में ये शतक लगाया था। दूसरे नंबर पर हैं ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और तूफानी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने अपने करियर के अंतिम टेस्ट मैच में 78 मिनटों के अंदर शतक जड़ दिया था। मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस टेस्ट मैच में 54 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक है। उन्होंने उस मैच में 79 गेंदों में 21 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 145 रनों की पारी खेली थी। हालांकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया था। फिलहाल ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के टेस्ट कोच हैं। रिची बेनॉट ये हैं ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 1955 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 78 मिनटों के भीतर शतक जड़ दिया था। सबसे खास बात यह है कि बेनॉट ने यह शतक 90 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए लगाया था। दूसरी पारी में उन्होंने गेंद से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटका लिए थे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बेनॉट के टेस्ट करियर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 63 मैचों में 24.45 की औसत से 2201 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। वही गेंदबाजी में उन्होंने 248 विकेट हासिल किए हैं। नंबर 4 पर मिसबाहुल हक हैं, ये हैं पाकिस्तान के। मिसबाहुल हक भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 90 मिनट के अंदर शतक ठोक दिया था। 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में शतक जड़ दिया था। उन्होंने उस मुकाबले में 57 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 101 रनों की पारी खेली थी। मिसबाह ने अजहर अली के साथ चौथे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की थी। मिसबाह के इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 356 रनों के अंतर से हरा दिया था। तो ये थे ऐसे 4 बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे की तरह खेला और 90 मिनटों के अंदर ही शतक लगा दिया। ऐसे ही दिलचस्प रिकॉर्ड्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए चक दे क्रिकेट। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।